हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वंस अगेन। तो यार ठीक समझ रहे हो आप कि ये व्लॉग जो था ना वो एक्चुअली जिम का ही था। मैंने सारा बड़ा प्यारा व्लॉग बना लिया था, लेकिन जब मैंने घर आके एडिट करने के लिए देखा ना, तो वो सारा का सारा व्लॉग इतनी पीछे शोर थी, वो नॉइस थी, वो टन टन की आवाज़ आ रही है, कोई बंदा बातें बोते कर रहा है, वो सारा जो वीडियो थी वो खराब हो गई। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरी सारी जो वीडियो है ना वो खराब तो वो हो चुकी है, लेकिन अब इतनी मेहनत की है तो क्या करें अभी इसका। तो वीडियो बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे की है कि हम साथ बात करेंगे। आप सोच रहे हो कि इतनी गर्मी है और ये बंदा चाय पी रहा है। नहीं, चाय नहीं पी रहा, कब खाली है ये। ऐसे पकड़ा हुआ मैंने। अच्छा, खैर ये सीन हुआ कि मैंने वो वीडियो बनाई और आपके साथ वो शेयर करते हैं। खैर वो उस लेवल की तो नहीं बनी, क्योंकि वहां पे जाके वो मज़ा तो नहीं आया। जिम में एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को मोस्ट लोग कहते हैं कि ब्रेकअप वाले बंदे वहां पे आते हैं, ये बात काफी हद तक ठीक भी है। मेरे बहुत ही प्यारे टीचर हैं सर कासिम। वालदेन के बाद जिनसे इंसान सीखता है ना वो होता है बंदे का उस्ताद। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के टीचर्स आए, जिनमें एक टीचर थे जिनका नाम था सर कासिम। और उन्होंने वो बात किया करते थे कि बेटा उस्ताद तो बहुत होते हैं, लेकिन उस्ताद कोई कोई होता है। तो अब आके इस स्टेज पर आके मुझे वाकई अंदाजा होता है कि यार पढ़ाने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन सिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। खैर आओ आज हम अपनी ही वीडियो के साथ रिएक्शन करते हैं, और मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया हमने। बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो सेव की है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाके मैं जिम के अंदर एंटर हुआ, तो मैं सबसे पहले जाके अपने टीचर से मिला। अगर आप चाहते हो ना कि आप कोई भी काम जब वो थोड़ा करो लेकिन आपको उसका जो असर वो ज़्यादा हो, तो अपने उस फील्ड के उस्ताद की हमेशा इज्जत करना। तो सबसे पहले जो काम इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा वार्म अप। तो पहले हम जो है वो वार्म अप ही करेंगे। वार्म अप कैसे करना है, सबसे जो आला वार्म अप है ना जिम के लिए वो है अपनी जंपिंग। साथ हमारे सैरम साहब थे, वही दोस्त है मेरा जो साथ मेरे अक्सर होता है वो जिम के अंदर। तो जंपिंग से हमने अपना वार्म अप स्टार्ट लिया। वहाँ की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं वो नाइट नहीं डाल सका मैं। तो ये कुछ सीन था कि वार्म अप जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद मैंने जो पुशअप्स लगाए, पुशअप्स यार इंतहाई अहम चीज़ है। अहम बात, अक्सर लोग लगाते हैं ऐसे ऐसे चिब्बे हो गए खोल के, गलत चीज़ लगाने से आपको ही अपना नुकसान है। इसलिए बेस्ट चीज़ यही है कि पूरी चीज़ आप फील ऐसे ही है सर, ऐसे ही ये। बाकी पुशअप्स वगैरह लगाने के बाद जो है हमने अपनी जंपिंग जंपिंग की, बल्कि स्नैन भी मेरे साथ थे, और हमने जो वो सारा सीन अपना किया। ब्लैक एनक हम ना लगाएं तो हमारी वीडियो जो वो पूरी नहीं होती। हम अपनी ब्लैक एनक पहनेंगे, ये सीन हुआ। उसके बाद मैंने अपनी मिक्स गेम करनी थी आज, तो सबसे पहले मैंने अपने लगाए बाइसेप्स, जिसे हम डोले शोले कहते हैं। तो डोले शोले लगाने जाए वो भी हम, अच्छा ऐसे होता है कि जो गेम होती है ना वो तीन चार चीज़ों में डिवाइडेड होती है। एक दिन हमने लगाने हैं बाइसेप, एक दिन चेस्ट, एक दिन ये शोल्डर्स, और एक दिन अपनी लेग्स वगैरह और पेट वगैरह, तो रोज करना होता है। तो ऐसे गेम बना के चले ना हम लोग तो बड़ा बेहतर रहता है। अच्छा ये जो जिम है ना, ये छोटा सा जिम है, कोई बड़ा बड़ा जिम नहीं। मुझे बहुत से लोग मुझे कहते हैं ये छोटा जिम है, ये ऐसे है वैसे है, फलां है, टीम कहाँ है। और जितने भी लोगों ने मुझे कहा कि ये जिम छोटा है, वो खुद जिम नहीं करते हैं। तो बंदा जो छोटी चीज़ में जो बंदा अपने ऊपर खुश रहना सीख लेना, वही बंदा कामयाब है। ये ना हो कि बंदा कहे जी मेरे पास वो नहीं है, फलां नहीं है, जिम छोटा है, दूर है, फलां आइटम कहाँ है। जिसने काम करना तो वो काम कर ही जाता है। बाकी मेरे टीचर थे, हम अक्सर देखते हैं जी हमारी बॉडी ऐसी बननी है, फलां करनी है, लेकिन हम कहते हैं नहीं बन सकती, फलां नहीं होता, ये नहीं होता, पता जो लोग डीमोटिवेट होते हैं। तो सर कासिम अल्लाह उनका भला करे, बहुत ही नाइस टीचर हैं। वो कहा करते थे कि इंसान जब वो नाकाम होने के लिए बना ही नहीं है, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बेल गा रहा हूँ उसके बाद मैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले। बाकी हम पेट लगाने के साथ साथ अगर हम कहाँ भी जाके थोड़ी मस्ती मस्ती ना करें तो फिर हमारी आपको पता है वीडियो पूरी नहीं होती। तो खैर मस्ती मजाक तो हमने वहाँ बहुत ज़्यादा किया, लेकिन वो हॉस्पिटल जो वीडियो थी हमारी वो नहीं सही बन पाई, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। उसके बाद स्नैन भाई ने भी गेम की, साथ सैरम ने गेम की। मैं जो ना वो पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, रात को दो दो जग पी लेता हूँ, तीन तीन जग पी लेता हूँ। और सर कासिम जो है ना वो कहा करते थे कि इंसान जो है ना वो हारने के लिए बना ही नहीं है, वो अगर तो अपनी नीयत जो है वो पक्की कर ले, पुख्ता यकीन रखे, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और इंसान होता कैसे, जो वो सोचता है, अगर वो सोचता है कि वो सबसे बेस्ट है तो वो वाकई सबसे बेस्ट होता है। तो इफ यू थिंक गुड देन यू आर गुड। खैर आज की वीडियो इतनी ही, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, आई एम रियली सॉरी। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट सा व्लॉग था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बचाई है, प्लीज़ लाइक कर देना। यार आप लोग लाइक ही नहीं करते,
प्लीज लाइक करो या सब या डोंट लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो यार। और डिसलाइक करते हो तो मुझे नीचे बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि आगे से मैं अपनी चीज़ को इम्प्रूव करूँ। बहुत सा ख्याल रखना, तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।